Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord. Hallelujah. 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 Lord, we bless your name. We glorify you. Jesus of Nazareth, we glorify you. We magnify you, Jesus of Nazareth. Magnify your name, Lord Jesus. We magnify your name. Hallelujah. Lord, we magnify your name. Lord, we magnify your name. We magnify your name, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो. Hallelujah. सबको जय यीशु मसीह की. Hallelujah. Because I get very little sleep. Hallelujah. प्रभु तेरा धन्यवाद हो. Lord, we bless you this morning. We magnify you. We glorify you, Lord. We come before your throne of grace and mercy, Lord. We pray for your presence. We pray for your anointing, Lord. We pray for the anointing of your Holy Spirit, Lord. Hallelujah. The anointing of your presence to come upon us this morning, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. 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 Hallelujah. मैं वो गीतों की पुस्तक एक सेकंड जरा लेकर आता हूँ. हालेलुया. लिटिल बुकलेट ऑफ जबूर. लेट मी ग्रैब इट. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. जबूरों की किताब आज मुझे मिली है. हालेलुया. हालेलुया. धन्यवाद यीशु मसीह तेरा धन्यवाद. हालेलुया. आइए कुछ भजन गाते हैं. जबूर हैं पंजाबी के. गाते हैं. हालेलुया. ये है साम 40. मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी ता दोष ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी. गाइए. ओ खतरे दे टोए ते खो बेचो है मैनू कड के ले आया बाहर. ओ खतरे दे टोए ते खो बेचो है मैनू कड के ले आया बाहर. चट्टान ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमा नूस्त बारी. मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी. हालेलुया. ये एक और जबूर है. जबूर 62 है ये पंजाबी की बाइबल में. गाइए मेरे संग. खुदावंद नू उडीक दी रे
आराम नल में रीजा कि उस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान, ओ मेरी जान दा किला है, ओ मेरी जान दा किला है, न जाते पनागा न जाते पनागा, सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा, सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा, खुदावंद नूं देखदी रै आराम नल मेरी जान। ये ज़बूर गाया करें, ये खुदा का कलाम है। इनकी जगह ये जो गीत है ना, कई इनकी कई गीतों में कुछ है ही नहीं प्रभु का कलाम, प्रभु की हजूरी है ही नहीं, तो ये गाएं, ये खुदा का कलाम है। हालेलुया। आइए एक और ज़बूर गाएं, ज़बूर 86 है ये। ऐ खुदावंद अपना रा अपने बंदे नू वखा, तेरी ही सच्चाई दी करांगा मैं पैरवी, तेरी ही सच्चाई दी करांगा मैं पैरवी, मेरा दिल एक पासे कर ता मैं रखा तेरा डर। गाइए। मेरा दिल एक पासे कर ता मैं रखा तेरा डर, ऐ खुदावंद अपना रा अपने बंदे नू बखा। हालेलुया। और गाई मेरे संग ज़बूर। हालेलुया। 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 ज़बूर नंबर 100, साम 100 आई है पंजाबी में। गाइए मेरे साथ। ऐसा जमीन रे लोको, ऐसा जमीन दे लोको, तारीफ करो रब दी, तारीफ करो रब दी, खुशी नल तो सिकरो, खुशी नल तो सिकरो, खुदा दी बंदगी यसू दी बंदगी, ऐसा जमीन दिलो को तारीफ करो रब दी। गाइए मेरे साथ। असी ओ दे जू दिया पेड़ा ते हायो दे लो, असी ओ दे जू दिया पेड़ा ते हायो दे लो, बनाया यो ने सानू, बनाया यो ने मैनू,
सब जमी दिलों को तारीफ करो रब दी, तारीफ करो रब दी, खुशी नल तू सिकरो खुदा दी बंदगी। गाए मेरे साथ। यहोवा दी बजुर्गी सब करो खुशी नाल, यहोवा दी बजुर्गी आओ करो खुशी नाल, ओ दे हजूर चेआवो, ओ दे हजूर चेआवो ते करो बंदगी, ऐसा जमी दिलों को तारीफ करो रब दी। हालेलुया। अद्भुत है ये जबूर। गाइए मेरे संग और जबूर, 102 नंबर जबूर। इसके अंदर बड़ी गहरी इल्तिजा है। गुनाह के बाद खुदा का खादम ये इल्तिजा करता है, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे। देखिए क्या कहता है, गाइए आप भी संग मिलके। मुँह में थो ना छिपावी तंगी विच तू कन्न लगावी, मुँह में थो ना छिपावी तंगी विच तू कन्न लगावी, देवी उतरे जरूर, देवी उतरे जरूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे। गाइए। तूए वांग उमर गई मेरी हड्डियां बालन दी ढेरी, तूए वांग उमर गई मेरी हड्डियां बालन दी ढेरी, जिमें बलदा तंदूर, जिमें बलदा तंदूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ। मे यू हियर मी फ्रॉम जायन, मे यू बेंड योर ईयर एंड हर्कन अन टू द क्राई ऑफ योर सर्वेंट द सन ऑफ योर बॉन्ड वुमन, ओ गॉड मे यू स्ट्रेच फोर्थ योर मारी हैंड फ्रॉम योर सेंक्चुअरी हाईली एंड एग्जॉल्टेड वन, मे माई क्राई रीच योर थ्रोन, May the very petition of my heart be granted by you. May you look upon me with favor and smile and divine love, O God. For I cry before you, for I intercede in your sanctuary, for I yearn for you, O God, for I long for you, for my soul is desperate for you. As the deer panteth after the streams of water, as one thirsty soul
looks for the brooks of water, so does my soul look after you. May my yearning ascend your throne. May, O God, may you just beckon from your throne. May you just gesture, O God, that you may cause me to ascend into your tabernacle. May you allow the son of your bond woman to climb up your holy place. O God, may I dwell in your sanctuary. May I stand up by night in your tent. May my lips praise you, O God. With the Kodeshim, with your saints, with the holy ones, may you grant access. May you grant access, O God. May you grant access in the name of Yahusha HaMashiach into your presence. For your presence is what I long. For your presence is what I seek desperately. I pray, may you shower your presence on your people. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sab ki nazrein mujhe yun ghoorti hain jaise maine hai koi paap kiya tooti shishi nahi hoon main tooti mere yesu ne mujh se pyar kiya mere yesu ne mujh se pyar kiya mera har ghaav tera ghaav bana main na bhulungi mere mohsan tu chamakta rahe andheron mein meri duniya tujhi se hai roshan chum loon bad ke tere kadmon ko meri maati bane gifil kundan hallelujah Thank you, Jesus. Jatamasi ka itr lai hu apni hasti samet lai hu ho ijazat agar to pesh karun अपने बालों की बेंट लाई हूँ अपने बालों की बेंट लाई हूँ Lord, I pour my soul at your feet. For I am created for you. For I am designed for you. You custom made me for you. And in you I find delight. And in you I find pleasure, O God. Embrace me in your embrace. Father, draw the hedge of your blood around my home. Visit my children, visit my wife, my mother, my brothers, their homes. Visit everyone that you gave to your servant, that you connected with your servant, Lord. Everyone, visit, I pray for your visitation. I pray, Lord, that with you will touch your people with your nail-scarred hands. Just place your hand, Lord. Hallelujah.
तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावन, इन जीसस नेम, आमेन, हालेलुया। रब साडा जोर है, ते नाले साडी है पना, देवे मदद ओ सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। गाइए, रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना, देवे मदद ओ सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड, वी प्रे दैट यू वुड स्पीक टू आवर हार्ट्स थ्रू योर वर्ड, एंड यू विल ड्रॉ आवर सोल्स एट योर फीट। लॉर्ड, वी ब्लेस यू, वी मैग्निफाई यू, इन जीसस नेम, आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। नूह के तीन पुत्र हुए, यफेत पहला था, शेम दूसरा था, हाम तीसरा था। नूह ने अपने तीनों पुत्रों को आशीष दी, लेकिन यहोवा की आशीष शेम के ऊपर आई। हालेलुया। ये एक ट्रेंड है बाइबल में, पहलौठे की आशीष दूसरे को जाती है। याकूब ने हाथ क्रॉस करके पहलौठे की आशीष दूसरे को दे दी, और हम देखते हैं कि याकूब के अपने दो बेटों की, इसाऊ की आशीष याकूब के पास चली गई, और इसाऊ जेकब ने यूसुफ के दो बेटों की ब्लेसिंग को क्रॉस कर दिया। बड़े की आशीष छोटे को चली गई, छोटे को बड़े की आशीष मिल गई। वी सी दिस ट्रेंड इन द वर्ड ऑफ गॉड। इवन दो द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज दैट देयर इज डबल पोर्शन फॉर द वन हु ब्रेक्स द मैट्रिक्स, फॉर द वन हु ब्रेक्स द वूम एंड कम्स आउट फर्स्ट, देयर इज डबल ब्लेसिंग। हालेलुया। लेकिन बाइबल में हम रिवर्सल देखते हैं। पहले आदम आया, पहला आदम, लेकिन उसकी ब्लेसिंग चली गई। सेकेंड एडम जीसस आया, उसको ब्लेसिंग मिल गई। तो वचन में लिखा है कि प्रभु ने कहा शेम के ऊपर ब्लेसिंग आएगी, और जफेत शेम के टेंट में रहेगा। कनान, जो कनान है, केनन, उसके ऊपर लानत आ गई। नूह ने अपने पोते को लानत दे दी हाम के ऊपर, हाम के बेटे के ऊपर, कैनन, कनान। आप पढ़ते हो ना बाइबल में कनान, कनान, कनान कौन है? कनान नूह का बेटा है हाम, हाम का आगे बेटा है कनान, और उसके ऊपर लानत आई क्योंकि उसने अपने पिता के नंगेपन को देखा। बाइबल स्कॉलर बहुत सी बातें कहते हैं जो मैं अभी नहीं करना चाहता। हाम की लाइन पे श्राप है, और अगर आप वचन को पढ़ेंगे, 10 अध्याय में टेबल ऑफ नेशंस हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय में दुनिया का पहला वर्ल्ड रिलीजन, वन वर्ल्ड रिलीजन, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड रिलीजन, वन रूलर पूरी पृथ्वी का, डिजिटल करेंसी, सब कुछ डिजिटाइज, सारा सेंट्रलाइज सिस्टम, सेंट्रली पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का पहला झूठा धर्म शुरू किया निमरोद ने, बाबुल। इसीलिए बाइबल पूरी में बाबुल 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 है। चर्च के अंदर भी बाबुल है। एक चर्च है जो बेबलॉन है, एक चर्च है जो मेमने की दुल्हन है। हालेलुया। एक अपोस्टेट चर्च है, झूठी कलीसिया है, एक मेमने की दुल्हन है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है बाबुल में से निकल आओ और मेमने की दुल्हन में शुमार करो।
तो अगर आप पढ़ेंगे वचन को ध्यान से, कनान कैनानाइट का बाप है, और जो मैंने कल आपको 7 कौमें बताई जिनका कनान पे कब्जा था, जिनके अंदर शैतानी बीज था, नफलीमों का बीज था, मिंगल सीड थे वो। डिटरोनमी चैप्टर 7 वर्स नंबर 1 में कल मैंने आपको बताया। तो यहोवा परमेश्वर इसराइलियों से चाहता था उन सबको निकालें। मैंने आपको बताया उन्होंने उनको निकाला नहीं, उनकी संशादियाँ की, उनके देवी देवताओं की उपासना की, उनके जो सारे शैतानी काम होते वो किए और पाप में गिरे, और इस वजह से यहोवा ने उन्हें उस धरती से जिसका वायदा यहोवा ने किया था खदेड़ दिया। और 14 मई 1948 को वापस लौटे वो लोग। मैंने आपको बताया था 7 गुना 7 गुना करके सज़ा बढ़ती गई। उन्होंने 50 जुबलीज नहीं सेलिब्रेट की, 500 साल, 50 जुबलीज, उसको 7 गुना करके सज़ा दी। 70 साल के लिए गुलामी में भेजा, फिर 7 गुना और बढ़ाया, फिर 7 गुना और बढ़ाया। तो जो कनान था उसका बेटा हाम, हाम के जो बेटे थे 4, वो चारों के चारों बेटे आपको मालूम कहाँ गए? वो चारों के चारों बेटे इज़राइल के सदरन हिस्से में चले गए, जिसे हम डेड सी का एरिया कहते हैं, मृतक सागर। बाइबल में अगर आप मैप देखिए अपनी बाइबल में, तो आपको गलील की झील दिखेगी। गलील की झील के ऊपर से रिवर आ रहा है हरमन से, हरमन पहाड़ से। वहाँ जो बर्फ़ गिरती है वो मेल्ट होके दरिया का रूप लेती है, यर्दन दरिया बनता है। यर्दन का मतलब कि सबसे ऊपर दान का गोत्र रहता है। दान के गोत्र ने अपनी मीरास को खो दिया, जो जगह अलॉट की थी यहोशू ने, यहोवा ने, वो जगह को छोड़ के, क्योंकि वहाँ लड़ाइयाँ थी दानवों के साथ, वो लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे, वो पहाड़ पे सेफ जगह में घुस गए। जो युद्ध है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, वो तराई में होती है, वैली में। वो वैली में जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वैली में है शेडो, एक द वैली ऑफ शेडो ऑफ डेथ। वो कंफर्टेबल जीवन चाहते थे, चुनौतियाँ नहीं चाहते थे। आपको मालूम कोई जो समुद्री जहाज होता है वो समुंदर के किनारे पे डॉक करने के लिए नहीं बनाया जाता। जो वॉरशिप होते हैं उन्हें इसलिए नहीं बनाया जाता कि समुंदर पे लंगर डाल के बांध के रखा जाए सेफ्टी में, उन्हें वो युद्ध के लिए बनाए जाते हैं। इसराइल के गोत्रों ने वॉर करना नहीं सीखा, इसलिए ये जो गोत्र थे शैतानी, जो बीज था शैतान का, इनके बीच में से नहीं गया, इसलिए इनको पूरी विक्ट्री कभी नहीं मिली, अपनी पूरी मीरास कभी नहीं मिली, पूरी आशीषें पूरी बरकतें इन्होंने कभी नहीं ली, क्योंकि ये सीड इनके अंदर काम करता था। आज बहुत सारे मसीह लोगों का ये हाल है, उनके जीवन में विक्ट्री नहीं है, उनका जीवन यीशु मसीह की सामर्थ से भरा नहीं है, उनके जीवन की इम्पैक्ट नहीं है पृथ्वी के ऊपर, इन्फ्लुएंस नहीं है उनके। परमेश्वर आपके जीवन को इतना बढ़ाएगा। परमेश्वर मुझे, मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला था, गरीब घर का, मुझे यीशु मसीह पूरी दुनिया में ले गया। पूरी दुनिया में वचन सुनाने के लिए मुझे प्रभु लेके जाता है। प्रभु पूरे विश्व में आप की इन्फ्लुएंस डालेगा लोगों के जीवन पे। आपकी इन्फ्लुएंस ऐसी होगी कि लोग प्रभु के चरणों में आएंगे। तो कनान जो है ये प्रभु के पीछे नहीं चला, शैतान के पीछे, अंधकार के पीछे चला, और इसने सोचा कि यहाँ पानी बहुत है, सारा पानी इधर इकट्ठा हो रहा है। वो पहले डेड सी नहीं था, तो वो जगह इन्होंने चुनी, और वो 4 शहर इसके 4 बेटों ने, बल्कि 5 शहर बसाए। आपको मालूम वो कौन से शहर हैं? एक शहर का नाम है सदोम, दूसरे का गमोरा, तीसरे का जिबोइम, चौथे का एडना, और एक पांचवा शहर है जिसका नाम है जुआर। ये नूह के बेटों, ये नूह के जो नूह का जो बेटा कनान, केनन और हाम, जिनके ऊपर श्राप आया, ये उनकी सिविलाइजेशन है। हालेलुया। इन्होंने ये नगर बसाए क्योंकि वहाँ पानी बहुत था, और इन्होंने सोचा यहाँ पे हम बहुत तरक्की करेंगे,
हमारी सिविलाइजेशन बहुत फैल जाएगी। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ता हूँ आपके लिए, सुनिए। उत्पत्ति की पुस्तक, बुक ऑफ जेनेसिस, बीच में लिखते जाया करें ताकि सबको पता लगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 10 एंड वर्स नंबर 19। एंड द टेरिटोरी ऑफ द कैनेनाइट एक्सटेंडेड फ्रॉम जाइडन इन द डायरेक्शन ऑफ गरार एज फार एज गाजा एंड इन द डायरेक्शन ऑफ साडम गमोरा एडमा जोबीम एज फार एज लाशा। दीज आर द सन्स ऑफ हैम बाय देयर क्लैन देयर लैंग्वेज देयर लैंड्स एंड देयर नेशंस। किस तरफ गए? जिनके ऊपर श्राप है, सदोम गमोरा, ये शहरों को इन्होंने बसाया। अब आप आइए 19 अध्याय में, उत्पत्ति की पुस्तक के 19 अध्याय में, उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय और इसके पहले वचन से पढ़ता हूँ। अगर 18 अध्याय पढ़ेंगे ना आप, पढ़ लीजिएगा घर में खुद, चैप्टर 18 ऑफ बुक ऑफ जेनेसिस। वी हैव मिस्टर गिलियड कैट्स, ही इज़ अ डिग्नेटरी फ्रॉम इसराइल। वी वेलकम यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। आई माइट स्पीक बिट ऑफ इंग्लिश सो दैट ही कैन ऑल्सो गेट अ क्लू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 18, वी सी अ फादर एब्राहिम, अ पैट्रियार्क एब्राहिम इज सिटिंग एट द नोन टाइम राइट इन फ्रंट ऑफ द टेंट। यू नो व्हेन यू हैव दिस जूश कोलोकियलिज्म, एट द नोन टाइम ए जूश पैट्रियार्क सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज टेंट, दैट जस्ट डजंट मीन दैट ही इज सिटिंग रैंडमली। That signifies that Abraham is offering his noontime prayer unto God. He is meditating. Abraham meditate कर रहा है। इसका अभिप्राय ये है, 18 अध्याय के पहले वचन में लिखा, तंबू के बाहर बैठा है, तो उसका मतलब होता है कि वो meditate कर रहा है। अगर कहीं आपको phrase मिले, a Jew is sitting under the fig tree, that means he is meditating. वो प्रार्थना कर रहा है। और वो क्या देखता है? तीन visitor आते हैं। जो सेंटर में है वो जीसस ऑफ नेजरत है। उस समय उसका नाम जीसस ऑफ नेजरत नहीं है क्योंकि अभी नासरत में नहीं आया वो, बट ही इज़ प्री इनकारनेट जीसस, दैट्स थियोफनी। और उसके लेफ्ट और राइट हैंड पे दो एंजल आ रहे हैं, माइटी एंजल्स हैं दो। तो वचन 18 अध्याय पढ़ लीजिएगा, मैं अभी नहीं पढ़ना चाहता। इब्राहिम आगे जाके उसके चरणों में लेट के, मैंने आपको बताया था हिब्रू वर्ल्ड चैप्टर 22 वर्स नंबर 4 में है, उत्पत्ति की पुस्तक में, वो उसके चरणों में झुक जाता है। इब्राहिम लेट के सजदा करके आराधना करता है यीशु मसीह की और विनती करता है कि आप जाना नहीं, मैं आपके लिए खाना तैयार करता हूँ। बढ़िया खाना बनाता है, उत्तम। तो मालूम ये है हॉस्पिटैलिटी। इब्राहिम हमारा पिता है, हमारे पिता का कल्चर हमारा कल्चर है। हमारे पिता ने ये नहीं कहा उनसे, अच्छा खाना खाओगे आप, खाना बनाए आपके लिए, चाय पियोगे, नो नो नो। ये बड़ी फोर्सफुल हॉस्पिटैलिटी है। उसने कहा जाएंगे नहीं आप जब तक मैं आपके लिए खाना ना बनाऊं। बेस्ट खाना बनाया उसने, उत्तम भोजन तैयार किया और देखिए प्रभु ने खाया, एंजल्स ने खाया, वहाँ लिखा है। और फिर इब्राहिम क्या करता है? प्रभु कहता है मैं छिपा नहीं सकता जो मैं करने जा रहा हूँ। प्रभु नाश करने आया है सदोम और गमोरा को। तो इब्राहिम प्रभु से बेनती करता है। आपको मालूम क्यों करता है? क्योंकि इब्राहिम का भतीजा, तो उसका भाई भी लगता है एक तरह से, उसका जो भतीजा है, नेफ्यू है, वो सदोम गमोरा में रह रहा है। गलत चॉइस की है उसने, गलत चॉइस। लूत की कहानी यही है। लूत ने अपनी ज़िंदगी में कभी राइट डिसीजन नहीं लिया। जो आप अपनी आँख से देखते हो उसी के अनुसार फैसला लेते हो आप। को मालूम बहुत सारे लोग मैं मिलता हूँ मसीहों को जिन्होंने अपने जीवन में गलत फैसले लिए हैं, गलत व्यक्ति से शादी की है, गलत स्टडी की, गलत एजुकेशन के फील्ड को चुना, गलत जगह बिजनेस कारोबार किया, अपनी लाइफ में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद गलत फैसला लिया, क्योंकि अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले प्रभु के चरणों में नहीं गए। वो जो आँखों को अच्छा लगा वही किया। आपको मालूम आइडोलेट्री क्या होती है? इडोलेट्रस से ग्रीक वर्ड है, दो शब्दों से बना। इडो का मतलब होता है देखना, टू सी, लेत्रसे का मतलब टू डू। मूर्ति पूजा का मतलब होता है जो आप अपनी आँख से देखते हो और जो करते हो, वो मूर्ति पूजा है।
पहली मूर्ति पूजा हमारी माता हवा ने शुरू की। उसने वृक्ष को देखा, फल को देखा और कहा, इट इज डिजायरेबल टू ईट व्हाट यू सी विद योर आईज। यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है? यशाया 11 अध्याय के 3 वचन में, 2-3 वचन में, वो अपनी आँखों के देखे देखेगा नहीं, कानों के सुने निर्णय लेगा नहीं। यीशु मसीह अपनी नेचुरल फैकल्टीज़ को यूज़ नहीं करता था। यीशु मसीह लीन करता था होली स्पिरिट पे, पवित्र आत्मा पे। गलत निर्णय इसके जीवन में इसे भारी पड़े हैं, लूत को बहुत भारी पड़े हैं। इसको इब्राहिम के साथ जाना चाहिए था, ये जॉर्डन के इस तरफ रह गया। इसने देखा जॉर्डन में पानी बहुत लगता है, बढ़िया है, लूत ने देखा तो इब्राहिम से बोलता मुझे यहीं रहने दे। इसको बोलना चाहिए कि तेरे संग यहोवा है, तेरे ऊपर यहोवा की आशीष है, बेशक हमारे नौकरों के अंदर झगड़े होते हैं, हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि प्रभु की वाचा तेरे साथ है, मुझे अपने संग रख। ये करना चाहिए था, इसने ऐसा नहीं किया। लेकिन लूत प्रभु के आगे बेनती करता है, प्रभु 50 हों 40 हों 30 हों 20 हों। आपको मालूम इब्राहिम कहाँ पे आता है? 10 पे आता है, क्योंकि लूत की 2 बेटियाँ हैं, उसकी 2 बेटियों की मंगनी हो चुकी है, शादी होनी है, उसके 2 पति हैं, उसके जो 2-2 पति हैं उन दोनों के माता पिता हैं, 2 वो हैं और 4 लोग और हैं उनके, और लूत की बेटियां 6 लोग वो हैं और लूत की बेटियां, लूत और लूत की पत्नी 10 लोग हैं टोटल। इसलिए लूत प्रभु से कहता, 10 हो तो आप छोड़ दोगे? प्रभु कहते हैं, ये सावल। प्रभु अपने सच्चे नबियों के साथ बातचीत करता है, सच्चे नबी थे नहीं इसलिए प्रभु ने ये वायरस भेजा है। और ये प्रभु कहता है, मैं सोड भेजूंगा, सोड का मतलब मैं राजाओं को भेजूंगा जो तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, गवर्नमेंट अटैक करेंगी तुम्हारे ऊपर। फिर प्रभु ने कहा मैं फेमिन भेजूंगा, फिर प्रभु ने कहा मैं पेस्टिलेंस भेजूंगा, ये बवा जो चल रही है। प्रभु ने कहा, इधर कहा कलाम पढ़ो, पढ़ते नहीं हो आप, प्रभु ने कहा मैं भेजूंगा। तो जो प्रभु ने भेजा है भैया, तू उसे कैसे डांट सकता है? अमेरिका में डिक्री की पादरियों ने, बड़े फेमस पादरी हैं वो, बिलियनियर पादरी, जिन्होंने आई पास द डिक्री, दिस इज गोइंग टू वैनिश, द कर्व इज गोइंग टू बी फ्लैटन, दिस एंड दैट। प्रभु ने मुझे बता दिया था शुरू में जनवरी में, डोंट रिब्यूक समथिंग दैट आई सेंट। यहोवा जब क्रोधित हो तो उस समय रिब्यूक करने का बिजनेस बंद करो, बाइंड एंड लूजिंग का बिजनेस बंद करो। लोगों को बोलो प्रभु के चरणों में झुक जाओ, बिछ जाओ, अपने अधर्म, अपने पापों की क्षमा मांगो, अपने अहंकार की क्षमा मांगो, पृथ्वी की कौमों राष्ट्रों के लिए क्षमा मांगो, दूसरे लोगों के, कौमों के, मुल्कों के पापों के लिए प्रॉक्सी दुआ करो खड़े होके, अपने आप को आइडेंटिफाई करो, प्रभु से बोलो प्रभु तेरा क्रोध टल जाए हम पे, दया कर। देयर इज अ टाइम टू यूज योर स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड देयर इज अ टाइम टू जस्ट बेंड योर नीज बिफोर गॉड। हमारे तो इंडिया में जूते भी मारे कहीं उन्हें, क्योंकि मालूम नहीं है, प्रभु का वचन नहीं मालूम प्रभु कैसे काम करता है। इब्राहिम विनती करता है प्रभु के आगे, प्रभु 10 भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जब लूत पूछता है जाके अपने होने वाले दामादों से, उन दोनों के माता पिता से, वो लूत को मूर्ख समझते हैं। समझ रहे हैं आप? तो क्या लिखा है वचन के अंदर? वचन के अंदर लिखा है, अगर 18 अध्याय पढ़ेंगे तो प्रभु बातें करता है। 19 अध्याय का पहला वचन है ये, द टू एंजल केम टू सादम इन द इवनिंग एंड लॉट वॉज सिटिंग इन द गेट ऑफ सादम, व्हेन लॉट सॉ देम ही रोज टू मीट देम एंड बाउड हिमसेल्फ विद हिज फेस टू द अर्थ। लूत को मालूम है रूहानी बातों की परख है, बिल्कुल खाली नहीं है स्पिरिचुअली। और क्या कहता है? एंड सेड माई लॉर्ड्स प्लीज टर्न असाइड टू योर सर्वेंट्स हाउस एंड स्पेंड द नाइट, मेरे घर में आइए और नाइट स्पेंड कीजिए, वॉश योर फीट देन यू मे राइज अप अर्ली मॉर्निंग एंड गो योर वेज। दे सेड नो वी विल स्पेंड द नाइट इन द टाउन स्क्वेयर, बट ही प्रेस देम स्ट्रांगली सो दे टर्न असाइड टू हिम एंड एंटर हिज हाउस। उन्होंने कहा हम यहीं रहेंगे, एंजल्स ने, उन्होंने बोला नहीं नहीं आप आइए आइए। ये है हॉस्पिटैलिटी जो इसने इब्राहिम से ही सीखी होगी। तो ये मत कहिएगा आपके घर में कोई आए, खाओगे जी, पियोगे जी, बार बार ऐसे करो,
कोई नहीं कहेगा अपने मुंह से। मैं आज से बहुत साल पहले, लगभग 22 ईयर्स के करीब पहले, US में गया और मेरे को पिक करने के लिए JFK से एक कपल आया, बहुत ब्यूटीफुल कपल, हस्बैंड वाइफ। तो मैं बैठा, उन्होंने मेरे को पूछा, गाड़ी ऐसे वो ले जा रहे थे, इन एंड आउट बर्गर थे शायद, मुझे बोलते फास्ट वुड यू लाइक टू हैव सम बर्गर, इन एंड आउट बर्गर। तो मैं फर्स्ट टाइम, इंडियन लोग नहीं, नो नो आई एम फाइन। उन्होंने बोला आर यू श्योर, आरंट यू फीलिंग हंगरी। मैंने फिर नो आई एम फाइन। वो ले गए वहाँ से गाड़ी, वहाँ से 1.5 घंटे का ड्राइव था। तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ से उन्होंने खाना ऑर्डर कर दिया था, वो खाना पिक करना था। तो उन्होंने मेरे को बोला वुड यू लाइक टू हैव समथिंग हियर। मैंने बोला नो आई एम फाइन। तो उनके घर में गए, हम पहुँच गए जब घर, तो उन्होंने जूस दिया उसकी वाइफ ने मुझे, मैंने जूस पी लिया। तो मेरे को फिर पूछा उन्होंने वुड यू लाइक टू हैव सम डिनर पास्ता। मैंने फिर बोला नो आई एम फाइन। और मेरे को भूख ताबड़तोड़ लगी हुई थी, क्योंकि ब्रसल्स से फ्लाइट गई थी और मैंने एक ही खाना खाया था, और हमारे इंडियन कल्चर है ना ऐसा, नहीं जी रहने दो जी, बस जी ठीक है जी। तो उन्होंने, हस्बैंड वाइफ ने मुझे दोबारा नहीं पूछा। मैं बैठ के वहाँ पे जूस पी रहा था और उन्होंने रोटेसोरी चिकन पूरा, पता नहीं चिकन था या टर्की थी, पूरा खाया सैलड वैलड के साथ। और मुझे बोला वो अप स्टेयर तुम्हारा रूम है, उधर जाके तुम सो सकते हो, और अगर कोई जूस जास चाहिए तो यहाँ से ले लेना। तो मैंने 3 बार रात को उठ के जूस ही पिया। तो मैं समझ गया कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी विदेशों की अलग है, हमारे देश की हॉस्पिटैलिटी धक्के से खिलाते हैं। तो ये भी लॉट भी बहुत ही ज़बरदस्ती करके उनको अपने घर में ले गया। जब उसने ज़ोर लगाया तब वो गए। तो क्या लिखा है, ऐसे ही लिखा है एक जगह और, एक स्त्री है जिसका नाम है लुदिया, उसको पंजाबी में लिखा है, 16 या 17 अध्याय प्रेरितों के काम में उसका जिक्र है। प्रेरित पौलुस जाता है एक जगह बीच पे प्रचार करने के लिए, मनन करने के लिए, कि मैं वचन मनन करूँगा। पौलुस और सिलास हैं दोनों, लेकिन वहाँ पे एक औरत है जो एक्सपेंसिव कपड़ा बेचती है, प्रेरित पौलुस उसे वचन सुनाता है, वो वचन स्वीकार करती है, वो स्त्री और उसका सारा घराना प्रभु को उसी समय ग्रहण करते हैं और वो बैप्टिज्म भी ले लेती है। फिर वो औरत प्रभु के दास पौलुस को और सिलास को जोर लगाती है कि तुम्हें मेरे घर रहना अब चल के। तो वचन में लिखा है, पंजाबी में लिखा है, वो मल्लो मल्ली उन्होंने अपने घर ले गई, मल्लो मल्ली, शी फोर्स्ड देम टू स्टे इन हर हाउस। ऑब्वियसली पॉल एंड साइलस might have had some other program for the rest of the days, but since she forced, they both went. तो ऐसा किया, ये इसके घर में चले गए। और वचन में क्या लिखा अब देखिए, इसका चौथा वचन, but before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, both young and old, देख रहे हैं आप, both young and old, all the people to the last man surrounded the house. They called to Lot, where are the men who came to you tonight? Bring them out to us that we may know them. So Lot went out to the men at the entrance, shut the door after him and said, I beg you, my brothers, do not act so wickedly. ये सदोम और गमोरा होमोसेक्सुअल्स हैं, बड़ों से लेकर छोटे, पिता भी होंगे पुत्र भी होंगे, सारे के सारे होमोसेक्सुअल हैं, पुरुषगामी हैं, पुरुषों के साथ गंदा काम करने वाले लोग हैं। और बहुत खूबसूरत एंजल हैं, ह्यूमन शेप में आए हैं, फॉर्म में, तो बोल रहे हैं हम इनके साथ गलत काम करना चाहते हैं, इन्हें लेकर आओ। प्रभु यीशु मसीह ने आपको मालूम क्या कहा, दो बातें कहीं, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 37 से 39 वचन अगर आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने बताया कि अंत के दिन कैसे होंगे, कैसे जानोगे एंड डेज को। प्रभु ने कहा नू के दिन की तरह होंगे, मत्ती 24 के 37 से 39। फिर प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 28 वचन में दूसरी बात कही। यीशु मसीह ने कहा मेरे आने के दिन, जब मैं आऊँगा, मेरे आगमन के दिन लूत के दिन की तरह होंगे।
ये बेंच मार्क हैं दो ऐसे, ये पक्के निशान हैं जिनके द्वारा आपको पता लगेगा, आप इंटरप्रेट करोगे टाइम को, समय कौन से में आप आ गए हो। आपको मालूम, मैं एक जर्नल पढ़ रहा था जिस जर्नल में लिखा है कि इंडिया में 10% से ज़्यादा होमोसेक्सुअल और गेज हैं, 10% इंडिया की पॉपुलेशन। मैंने 3-4 साल पहले पढ़ा था, वो कहते थे 7% है, आप बोल रहे हैं 10%, मतलब 11-12 करोड़ लोग होमोसेक्सुअल हैं भारत में। आपको मालूम, इसराइल की जो कैपिटल तेल अबीब है, तेल अबीब में ह्यूज कम्युनिटी है गेज की और लिस्बियन की, ह्यूज कम्युनिटी पूरे विश्व में ये फैल रहे हैं। यहोवा परमेश्वर ने नूह को जो अपनी प्रतिज्ञा दी, 7 कसमें खा के, मैंने आपको बताया था यहोवा परमेश्वर ने 7 बार सुगंध खाई, वो रेनबो जो है परमेश्वर की 7 शपथ हैं, 7 ओथ हैं यहोवा की, रेनबो जो, हालेलुया, इंद्रधनुष। आपको मैंने बताया ऐसे आधी इंद्रधनुष आपको दिखती है पृथ्वी पे जब भी यहोवा दिखाता है। ये सिर्फ प्रिज्मेटिक इम्पैक्ट नहीं है कि सन रेज निकलती हैं और ड्रॉपलेट प्रिज्म का काम करते हैं और लाइट स्प्लिट हो जाती है, दैट साइंटिफिक फिनोमेना, लेकिन ये रियल रेनबो है। आप देखें प्रकाशित वाक्य 5:6 में आपको मिलेगा यहोवा के सिंहासन के पीछे ऐसे रेनबो है, आधी आधी ज़मीन पर दिखती है। ये परमेश्वर का करार है, परमेश्वर का कवनेंट है, हालेलुया। इसको हाईजैक कर लिया इन लोगों ने, LGBTQ, उसके संग अभी और बहुत कुछ जोड़ रहे हैं। अभी इन देशों में जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं, यहाँ पे बच्चा अगर पैदा होता है आप उसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर सकते, आपको लिखना होगा जेंडर फ्लूड। अगर लड़की है तो लिख नहीं सकते कि फीमेल है, लड़का है तो लिख नहीं सकते कि मेल है, जेंडर फ्लूड। वो कहते हैं शैतानी लोग कि आपका बच्चा डिसाइड करेगा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। जैसे पहले पूछते थे ना, बेटा बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, मैं इंजीनियर, मैं साइंटिस्ट, मैं एस्ट्रोनॉट, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, अब ये भी ऑप्शन आ गई है कि बच्चा बताएगा कि मैं लड़का बनना चाहता हूँ या लड़की बनना चाहता हूँ। देख रहे हैं आप कितनी करप्ट दुनिया है। जो एनाटॉमी यहोवा ने आपको बना के दी है आपकी फिजियोलॉजी में, उस एनाटॉमी को आप पसंद नहीं कर रहे कि मुझे, अगर मैं पुरुष हूँ तो मुझे औरत बनना, अगर मैं औरत हूँ तो मुझे पुरुष बनना है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आपको मालूम कितनी बड़ी है। मैं एक और रिसर्च पढ़ रहा था, होमोसेक्सुअल, गेज, लिस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, हर तरह का पाप है ये। आपको मालूम 34 से 36 कॉलम है यूनाइटेड स्टेट्स में। अब आपने कोई फॉर्म भरना है, हिंदुस्तान में, इंडिया में पहले 2 ही होते थे, मेल या फीमेल, एक तीसरा होता था अदर्स, अब बहुत है, मेल, फीमेल, बायोसेक्सुअल, हेटरोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कितनी हो गई भैया, दीज आर दी एंड डेज। ये था ये कौन, ये जगह जो कनान ने बसाई, कौन कौन से शहर, सदम, गमोरा, जुआबीम, एडना और जोआर, यहाँ पे ये गंदी आत्माएं। ये आत्माएं कहाँ से आईं, ये आत्माएं जो नूह के समय फ्लड आया वो सब मार दिए, मिंगल सीड वाले दानव, उन दानवों की सोल निकली, उसकी कोई रिडेम्पशन नहीं उस सोल की, वो सोल लोगों के अंदर घुस रही है। प्रेरित पौलुस बताता है तिमोथियस की पत्री में, कहता दे विल प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस, डिडास्कलिया डायमोनिया, पादरियों की बात कर रहा है, फेमस प्रीचरों की, सेलिब्रिटी प्रीचरों की, वो डॉक्ट्रिन ऑफ डीमन प्रीच करेंगे, डायमोनियन। ये वही बदरुए हैं जो जेनेसिस 6 में जो क्या कर रही थी, डीएनए को की म्यूटेशन सिखा रहे थे, डीएनए को री एडिट कैसे करना, रीसीक्वेंस कैसे करना, जेंडर चेंज कैसे करने हैं, अपने आप को पार्टली ह्यूमन और पार्टली बीस्ट कैसे बनाना है, डीएनए को मिक्स कैसे करना है, किमराज कैसे बनाने हैं, सुपर ह्यूमन बीइंग कैसे बनाने हैं, आधे आदमी और आधे जानवर कैसे बनाने हैं। हर देश की मिथोलॉजी में, वो रोमन हो, मायन हो, इजिप्शियन हो, युग्रेटिक हो, मंगोलियन हो, इंडियन हो, हर देश की, इजिप्शियन हो, कल्चर के अंदर, संस्कृति के अंदर आपको मिलते हैं आधे घोड़े हैं आधे
इंसान हैं, आधे शेर हैं आधे इंसान हैं, आधे हाथी हैं आधे इंसान हैं, आधी औरत है आधी मछली है, आधी औरत है और आधा कोई और क्रीचर है, ये सब थे। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में आर्कियोलॉजिस्ट उनके रेलिक्स निकालते हैं, अवशेष निकालते हैं, ये सब थे। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में ह्यूमन डीएनए के ऊपर वो गंदे जो एंजल फॉलन एंजल थे उन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट किया जीन्स पे, सेक्सुअलिटी पे, सेक्सुअल परवर्जन, डिबॉचरी, इसके ऊपर इतना सेक्स को, सेक्सुअल इमोरालिटी को विच क्राफ्ट के साथ, जादूगरी के साथ जोड़ा उन्होंने, और हर तरह की गंदगी उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में थी कि यहोवा पछताया। आपको मालूम प्रभु हमें कहता तौबा करो, वही शब्द वहां पे लिखा है, शुबा, गॉड रिपेंटेड वाई ही मेड मैन। उन एंजल ने इतना करप्ट किया पूरे यूनिवर्स को, वही आत्माएं वापस लौटेंगी और लौट रही हैं, और वो पादरियों के अंदर भी घुसेंगी और वो डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस प्रीच करेंगे। अब देखिए आप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कई प्रीचर जिनको मैं बहुत अच्छा मानता था, वो कहते हैं गॉड्स ओपिनियन ऑन होमोसेक्सुअलिटी इज इवॉल्विंग। ही इज़ अ हेरेटिकल टीचर हु सेज दिस वर्ड ऑफ गॉड इज इवॉल्विंग। ये इवॉल्व हो रहा है भैया। गॉड इज इम्यूटेबल, गॉड इज नॉट अ मैन दैट ही विल चेंज हिज माइंड, गॉड सेज एंड डजंट ब्रिंग अ रेफरेंडम टू करेक्ट हिमसेल्फ, ही इज इटर्नल गॉड, हिज इट इज नॉट हिज ओपिनियन, इट इज हिज विल, इट इज हिज वर्ड। ह्यूमन हैव ओपिनियन एंड दे डोंट मैटर वट योर ओपिनियन इज, वट मैटर्स वट गॉड इटर्नल गॉड हैज डिक्रीड इन हिज वर्ड, दिस कैन नॉट बी ब्रोकन, ए टिटल एंड जॉट कैन नॉट बी ब्रोकन। वो होमोसेक्सुअल लिस्बियन वो बोलते हैं कि ऑल इंक्लूसिव गॉस्पल प्रीच करो, कल्चरली रेलेवेंट गॉस्पल प्रीच करो, डोंट ऑफेंड पीपल, प्लीज पीपल, इट इज पीपल फॉर जीसस डाइड, गॉड इज लव, गॉड लव्स द सिनर्स, गॉड लव्स द होमोसेक्सुअल, गॉड लव्स द लिस्बियन एंड गेज, इस तरह की प्रीचिंग वो करते हैं। ह्यूमनली एक्सेप्टेबल गॉस्पल प्रीच करना चाहते हैं। यहोवा परमेश्वर की पवित्रता ही कंप्रोमाइज हो उनको कोई परवाह नहीं, यहोवा परमेश्वर का जस्टिस कंप्रोमाइज हो उनको कोई परवाह नहीं, यहोवा परमेश्वर की राइचसनेस कंप्रोमाइज हो उनको कोई परवाह नहीं, डोंट केयर, दे केयर द लीस्ट, दे केयर फॉर ह्यूमन राइट्स, दे डोंट केयर फॉर गॉड राइट्स। दिस इज गॉड्स यूनिवर्स, दिस इज गॉड्स वर्ल्ड, गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, ही ओन्स इट, ही पजेसेस इट, वो इसका मालिक है, इसका स्वामी है वो। वचन में लिखा है जब पाप का घड़ा बढ़ता है फिर वो इंटरवीन करता है। प्रभु कहता है अभी तक उनके पाप का घड़ा नहीं भरा, कई सौ साल लग गए, 400 साल से ज्यादा उनके पाप का घड़ा भरने के लिए। तो लोग क्या कहते हैं, डोंट जज, ये सूडो गॉस्पल है, वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। जीसस ने कहा डू नॉट जज लेस्ट ही बी जज्ड, दे डोंट नो व्हाट जीसस इज टॉकिंग, दे डोंट वॉन्ट टू स्टडी द वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट वट जीजस इज टॉकिंग। मैं एक बस में बैठा हूँ, मैं बस ओवरलोडेड है, ऊपर भी लोग बैठे, बस सीट है, बता हूँ कि छोटा सा टाइम बॉम्ब लगा है, उस पर घड़ी चल रही है, घड़ी बता रही है कि अभी 40 सेकेंड रह गए, मेरा ऊपर लगेज पड़ा है बस के अंदर, टिक, मुझे पता टाइम बम फटने वाला है बस के अंदर, मैं क्या करूँगा, मैं अपने नहीं, मुझे पता नीचे बम फटने और लोगों को दूर दूर हटा के बाहर निकलूँगा और बाहर निकल के फटाफट अपने घर भाग जाऊँगा, ऐसा करूँगा मैं, या मैं बस में से निकलते समय चिल्लाना शुरू करूँगा, भाइयों बहनों इस बस में से बाहर निकल जाओ, इसके अंदर बम है, ये फटने वाला है, और बाहर जाके सेफ जगह पे जोर जोर से चिल्लाऊंगा बस में से बाहर आ जाओ। लेकिन अब मैं ऐसा कर रहा हूं तो लोग कहते हैं यू आर जजिंग पीपल, डोंट जज, मोटिवेशनल गॉस्पल प्रीच करो, कल्चरली रेलेवेंट गॉस्पल प्रीच करो, ऑल इंक्लूसिव गॉस्पल प्रीच करो, डोंट बी अ प्रीचर ऑफ फायर एंड ब्रिमस्टोन, ब्रिमस्टोन, डो नॉट बी ग्लूम एंड डूम प्रॉफिट, ये टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। वचन में लिखा है, क्या लिखा है, ये कल्चर डेवलप किया है किसने, हाम के गोत्र ने, जिनके अंदर गंदी रूहें हैं, जिनके ऊपर श्राप है। बहुत से बाइबल स्कॉलर ये कहते हैं
कि नूह ने जब वाइन पी वो नेकेड हो गया अपने टेंट में, और उसका पुत्र हाम गया, और वहाँ लिखा है ही सॉ द नेकेडनेस ऑफ हिज फादर. द टर्म ही सॉ द नेकेडनेस ऑफ हिज फादर, इसकी बड़ी डीप स्टडी है, अभी मैं उसमें एंगेज नहीं होना चाहता, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि वो फ्रेज़ का हिब्रू में मतलब ये होता है कि उसने अपनी माता के साथ सेक्सुअल इमोरालिटी की इन द वूम ऑफ हिज ओन मदर. और ये एक कल्चर था उन एंशिएंट टाइम्स के अंदर, किसी राजा की अगर किंगडम को क्लेम करता था ना कोई रेबल, तो वो उसकी कंक्यूबाइन के अंदर अपना सीड प्लेस करता था, जैसे कि अबशलोम ने किया, राजा अपने पिता दाऊद के साथ उसकी कंक्यूबाइन को रेप किया पब्लिकली. बहुत से स्कॉलर्स का ये ओपिनियन है कि उसने ये किया, इसलिए नूह जब जागा तो वचन में लिखा है उसने देखा कि उसके बेटे ने क्या किया, व्हाट हिज सन डिड, एंड ही कर्स्ड हिम. और ये कर्स चला आ रहा है, देखिए सादम गमोरा, ये कर्स रियल होते हैं, कर्सेज, ब्लेसिंग एंड कर्सेज आर रियल, दे कंटिन्यू टू फॉलो थ्रू योर ब्लड लाइन, वो आपकी ब्लड लाइन के थ्रू चले आ रहे हैं, उनसे छुटकारा पाना है. इस वचन के अंदर विधियां हैं, इनको समझिए, उनसे छुटकारा, ये जो कवनेंट है, ये कवनेंट आपकी ब्लड लाइन के अंदर घुसेगा, आपकी बोन मैरो के अंदर चला जाएगा ये, और जो पुराने शैतानी कवनेंट उनको ब्रेक करेगा. हालेलुया. तो संसार कहता है डू नॉट जज, ये लोग कहते हैं गिव अस व्हाट वी वांट, गेट देम आउट. तो अगर आप पढ़ेंगे जशर की पुस्तक है जो बाइबल में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जशर अपनी पुस्तक में ये बताता है कि ये जो पांच शहर हैं इनमें से चार शहरों के जज हैं, हर शहर का एक जज होता था. गमोरा का जज वो लिखता है शरीक है, शरीक, और सादम का जज सरका है, और एडना का जज जेडनाक है, और मनूम जो जबलूम का जज है, जुआर में कोई जज नहीं था. इसीलिए इन चार शहरों के ऊपर अगर आप 19 अध्याय पढ़ेंगे तो एंजल ने लूत को, लूत की बेटियों को, लूत की पत्नी को जबरदस्ती वहाँ से निकाला, क्योंकि जब तक वो निकलते नहीं तब तक आग और गंधक बरसा नहीं सकता प्रभु स्वर्ग से. जब एंजल ने निकाला, एंजल ने लूत ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ लिया, अपनी बेटियों के हाथ पकड़ लिए, और एंजल ने बोला यहाँ से भाग जा, पहाड़ पर चढ़ जा. लूत फिर रॉन्ग चॉइस करता है, लूत कहता मैं पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता, मुझे यहीं पास में जाने दे. तो क्या होता है कि एंजल उसकी वो रिक्वेस्ट को भी ग्रांट कर देते हैं, उसको पहाड़ पे जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं गया, वो पास थोड़ा सा आगे जाके चला गया एक शहर में, जुआर नाम के शहर में. तो क्या हुआ, आग और गंधक गिरी, एंजल ने कहा था पीछे मत देखना, डू नॉट लुक बैक. हालेलुया. इस समय आप दोबारा अपने पाप के जीवन में नहीं जा सकते, छोड़ दीजिए हर तरह का गुप्त पाप, हर तरह की अंदरूनी गंदगी, हर तरह का शैतानी बंधन, रात आधी रात को करने वाले गंदे काम सबका त्याग करिए, सच्चे मसीही बनिए. ये वो टाइम है अब. अगर अब आप पीछे गए हो सकता आप लौट के आगे ना आ सकें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो पवित्र है वो और जो अशुद्ध है वो और अशुद्ध होता जाएगा. अब ऐसा टाइम आ रहा है, अनुग्रह को परमेश्वर पैक करता जाएगा. अब परमेश्वर की हजूरी बहुत रेयर हो जाएगी, सुन लीजिएगा मेरी बात ध्यान से, बहुत कम परमेश्वर की हजूरी आपको मिलेगी. अगर आप परमेश्वर की हजूरी का आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, परमेश्वर के सच्चे जिंदा कलाम का सम्मान नहीं करेंगे, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन नहीं बनाएंगे, और आप यू विल कीप ऑन प्लेइंग विद गॉड. मैं आपको बता रहा हूँ आपको प्रेजेंस ऑफ गॉड मिलेगी नहीं, एक रेयर कमोडिटी हो जाएगी प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू वॉन्ट फाइंड. जैसे एंड टाइम की ओर हम बढ़ रहे हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड विल बिकम वेरी वेरी रेयर. लेकिन लोग एक जैसे बनावटी प्रेजेंस ऑफ गॉड, बट द रियल प्रेजेंस ऑफ गॉड विल बी इल्यूडिंग फ्रॉम द चर्चेज, फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज. तो जो प्रभु के संग ऐसे चिपट के चलेगा वो बचेगा, जो प्रभु के संग चिपट के नहीं चलेगा वो नहीं बचेगा. तो लूत को कहा था पहाड़ पे चढ़ जा, वो नहीं चढ़ा. तो लूत जा रहा है, अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा, इधर से अपनी बेटियों के हाथ पकड़े,
ऊपर से आग और गंधक गिरी। प्रभु ने कहा था पीछे मत देखना, लूत की बीवी ने यूँ देखा पीछे, उसी समय पिलर ऑफ सॉल्ट बन गई। अब जरा कल्पना करें, लूत के इस हाथ में अपनी बीवी का हाथ था इधर, लूत के इस हाथ में अपनी बेटियों के हाथ थे, अचानक लूत के इस हाथ में जो हाथ था वो सॉलिड बन गया, मांस का हाथ नहीं रहा। अब लूत अगर ऐसे यूं घूम के अपनी बीवी को देखता है तो वो भी नमक का खंबा बन जाएगा। वो उसी जगह अपनी बीवी को, नमक का खंबा बनी को छोड़ के आगे निकल जाते हैं। लूत लूत की बेटियां ये समझती हैं कि दुनिया ख़त्म हो गई, हम अपने पिता के वंश को कैसे चलाएंगे। अगर पहाड़ पे जाता ये धर्म ना होता। उसने फिर रॉन्ग चॉइस की और अपनी बेटियों से औलाद पैदा की जिन्हें अमोनी और मुआबी कहते हैं। आपको मालूम लूत की इस गलती का परिणाम क्या हुआ? वो लोग कौन है अमोनी और मुआबी? वो जॉर्डेनियन लोग हैं, आधे इसराइल पे उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है जॉर्डेनियन ने, जो लूत की गलती से पैदा हुए। बहुत सारी चीज़ें ऐसे ना होके ऐसे ना होती अगर इंसान गलती ना करता, स्वरूप कुछ और होता अगर मनुष्यों ने सही निर्णय अपने जीवन में लिए होते। आपके जीवन के गलत निर्णय आज आपकी डेस्टिनी है। आज आपकी झोली में जो कुछ है वो आपके जीवन के फैसलों का परिणाम है। सही फैसले कीजिए इसके अनुसार। मैंने अपने जीवन में बहुत गलत फैसले किए, उनके फल मेरी झोली में आए, कईयों की सज़ा मैंने बड़े लंबे अरसे तक भोगी है। इसलिए मैं आपको ये सच्चाई परमेश्वर के कलाम से बता रहा हूँ। मेक द राइट चॉइस। आप प्रतिदिन चॉइसेस करते हो, ये आपके अंदर राज करेगी तो आप सही चॉइस करेंगे। वचन में लिखा दिन और रात इसके ऊपर मनन कर, क्रेजी हो इसके लिए, इसके अंदर जी। मेरे ड्रीम, मेरे ख्वाब यही होते हैं। ड्रीम के अंदर भी मीटिंग चल रही होती है, कभी कोई एंजल बैठे होते हैं, कलाम की बातें चल रही होती हैं, कभी इब्राहिम दिखाई देता है, कभी यकूब दिखाई देता है, कभी एलिया, मूसा, कभी कहीं ट्रैवल कर रहा होता हूँ। यू विल बी ऑब्सेस्ड, पोजेस्ड, दिस विल बिगिन टू ड्वेल इंटरनली ऑन द इनसाइड ऑफ यू। हालेलुया, हालेलुया। जशर की पुस्तक बताती है कि ये जो चारों जज थे करप्ट थे, खुद होमोसेक्सुअल थे, होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया था इन्होंने। जुआर में ऐसा जज नहीं था कोई, तो वो जुआर में चले गए, लेकिन जुआर में एक निर्णय लिया उसने चढ़ना। ये ब्लड लाइन के पाप चले आ रहे हैं, इन ब्लड लाइन, जब ब्लड, ये जो पाप आते हैं, एक वचन सुनिए, निकालिए इज़िकियल नबी की किताब, इज़िकियल नबी की किताब, मुझे लग रहा टाइम तो ज़्यादा हो चुका है। इज़िकियल 16, इज़िकियल नबी की किताब 16 अध्याय, उसका मैं 49 वचन से आपके लिए पढ़ता हूँ। इज़िकियल 16 सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, इज़िकियल 16 49 वचन। Behold, this was the guilt of your sister Sodom. She and her daughters had pride, excess of food and prosperous ease. यहाँ पे था क्या? काम करने के लिए कुछ नहीं था, खाने के लिए भरपूरी थी। आपको मालूम सोशल सिक्योरिटी पे जीना एक कर्स है, unless you are invalid. You must work and make your living. You must not prostitute the resources. Unki problem excess is vele hai, ye khulla hai. Jab aapko had harami jise bolte hain, idol hain aap, कुछ नहीं करते, बेकार, सब कुछ भरपूरी में मिल रहा आपको। आपको मालूम वेस्ट की भी यही प्रॉब्लम है। अमेरिका में लोगों को सोशल सिक्योरिटी से डेढ़ गुना मिल रहा है, जितना वो कमाते हैं उससे डेढ़।
प्लेंटी फूड के खाओ, और बी इकट्ठे ओवर इंडल्जेंस इन सेक्सुअल एडवाइस होगा जीवन में तो होगा ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है, देखिए नबी क्या बता रहा है, से मिल रही है, भरपूरी है, खाने के लिए खुला है, और हर तरह के पाप की ओर जा रहा है इंसान। लिखा है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, 44 वचन से पढ़ता हूं, पूरा कॉन्टेक्स्ट सुनिए। बिहोल्ड एवरीवन हु यूजेस प्रोवर्ब विल यूज दिस प्रोवर्ब अबाउट यू लाइक मदर लाइक डॉटर। You are the daughter of your mother who loathed the Hittite, and your elder sister is Samaria who lived with the daughter to the north of you, and your younger sister who lived in the south of you, Sodom with her daughter. Not only did you walk in their ways and do according to their abomination, within a little time you were more. तो इनकी ब्लड लाइन देखिए क्या है, कितनी शैतानी ब्लड लाइन है। ब्लड लाइन उनकी है जो बदरुओं की पूजा करते हैं, जो ग्राह फरिश्तों की उपासना करते हैं, जो होमोसेक्सुअलिटी, लिस्बियन, हर तरह की गंदगी करते हैं, जो छिनाला करते हैं, शैतानी किस्म का। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तेरी अबोमिनेशन उनसे भी बढ़ के, declares द लॉर्ड गॉड, योर सिस्टर सॉडम एंड हर डॉटर हैव नॉट डन एज यू एंड योर डॉटर हैव डन। बिहोल्ड दिस वॉज द गिल्ट ऑफ योर सिस्टर सॉडम, डॉटर हैड प्राइड इज बट डिड नॉट एड द